सो गाइस, पैसेज की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक पैसेज सॉल्व करेंगे जो कि है आपका आया हुआ एसएससी स्टेनोग्राफर में ही 2016 के सेट में। इसको देखते हैं। कह रहा है कि यूजिंग मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट हैव रिस्टोर्ड पार्ट ऑफ अ फॉसिल फ्यूल ऑफ अ रेयर डायनासोर दैट लिव्ड मोर देन 90 मिलियन ईयर अगो ड्यूरिंग द क्रेटेशियस पीरियड इन व्हाट इज नाउ मंगोलिया। कंप्यूटर से जुड़ा पैसेज है गाइस, तो बस थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना है और कुछ भी नहीं। अच्छा, मैंने आपको एक तरीका बताया था कल कि हम लोग पैसेज का हिंदी निकाल करके पढ़ें, लेकिन इसी बीच बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि सर हम लोगों को हिंदी निकालना इतनी तेजी से नहीं आता जितनी तेजी से आप पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सत्य बात है बच्चों, देखिए आप बच्चे ही हैं, यस, तो थोड़ा सा तो अंतर आपका मेरे बीच में रहेगा, लेकिन क्यों ना हो कि आज हम लोग बिना हिंदी निकाले इस पैसेज को सोल्व करते हैं। यानी कि ये छोटा सा पैसेज है 5 मार्क्स का और मैं इसका पूरा इंग्लिश पढ़ता हूँ वो तसल्ली से, और उसके बाद में पैसेज को सोल्व करते हैं बहुत तसल्ली से। इतनी में तसल्ली नहीं कि बिल्कुल आराम से, मुझे तो आपको बता के पढ़ाना है इसलिए, लेकिन विद इन 5 और 7 मिनट एक पैसेज आप 5 मार्क्स का कर लें तो भी कोई बुराई नहीं है। कह रहा है कि यूजिंग मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट हैव रिस्टोर्ड पार्ट ऑफ अ फॉसिल ऑफ अ रेयर डायनासोर दैट लिव्ड मोर देन 90 मिलियन ईयर अगो ड्यूरिंग द क्रेटेशियस पीरियड इन व्हाट इज नाउ मंगोलिया। द फोकस ऑफ द स्टडी वॉज द स्कल ऑफ अर्ली कॉसरस एंड्रेप्सी अ 10 to 13 foot हर्बिवोरियस डायनासोर कॉल्ड Threnosaurus. Using a digital model of the fossil, the team virtually disassembled the skull of Erlikosaurus into its individual element. They then digitally filled in any breaks and cracks in the bones, duplicated missing elements, and removed deformation by applying retro deformation techniques. Digitally reversing the steps of deformation. In the final step, the reconstructed elements were reassembled. This approach not only allowed the restoration of the complete skull of Erlikosaurus, but also the study of its individual elements. With modern computer technology such as CT scanning and digital visualization, we know how powerful tools at our disposal with which we can get a step to closer to restore fossil animals to their lifelike condition, said author Stephen Lochlanger from the University of Bristol in Britain. So guys, आज के इस पैसेज को मैंने हिंदी में जरा भी नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया। बहुत सारे बच्चों की फरमाइश थी कि सर बिना हिंदी निकाले पैसेज को सॉल्व कैसे करें। आज हम वही करके देखते हैं। यस गाइस, पूरा पैसेज सॉल्व करते हैं इसी तरह से। अब क्या कह रहा है गाइस, यहाँ पे आंसर देखेंगे। पहला कह रहा है कि द साइंटिस्ट फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ, साइंटिस्ट ने फोकस किया स्टडी पर किस चीज की। द टेल ऑफ द डायनासोर, द स्कल ऑफ द डायनासोर, द लेग ऑफ द डायनासोर, द बोन्स ऑफ द डायनासोर। तो गाइस अगर आप यहाँ पे बात करेंगे पैसेज की, तो यहाँ पैसेज में साफ साफ कहा है द टीम वर्चुअली डिसअसेंबल द स्कल ऑफ द, ये यानी कि स्कल पर काम किया उन्होंने। किस पर काम किया उन्होंने, स्कल। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन भी हमारे पास में है अगर ऐसी बात है तो, द स्कल ऑफ द डायनासोर, द स्कल ऑफ द डायनासोर। तो गाइस 96 का आंसर भी आपका हो जाएगा बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द टीम अप्लाइड डैश, टीम ने अप्लाई किया डैश क्या, डिफॉर्मेशन टेक्निक, रेट्रो फॉर्मेशन टेक्निक, फॉर्मेशन टेक्निक, रेट्रो डिफॉर्मेशन टेक्निक। इसका जिक्र हुआ है गाइस यहाँ पे पैसेज के अंदर, इसका जिक्र हुआ है। कहाँ पर है देखना होगा, बस थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लगेगा बच्चों। दिस यहाँ पर थी कई लाइन इसकी, चलिए गए, मैंने पढ़ा है रेट्रो डिफॉर्मेशन पढ़ा था मैंने, तो शायद मेरी निगाह नहीं पड़ रही है, आपकी निगाह पड़ रही है तो आप उसको देख लीजिएगा।
यस गाइस, तो उसको बोलेंगे ये रहा रेट्रो डिफॉर्मेशन। यस गाइस, तो रेट्रो डिफॉर्मेशन इसका आंसर आपका होगा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़े तो कह रहा है कि द मेन इंटेंशन ऑफ स्टेफन लॉसलर्स वोज, तो मेन इंटेंशन क्या है उनकी, तो रेस्टोरेशन ऑफ फॉसिलाइज्ड एनिमल टू लाइफ, टू स्टडी डायनासोर्स, द डेवलपमेंट ऑफ पावरफुल टूल्स और द प्रोजेक्शंस ऑफ जो भी। तो गाइस यहां पर जो मेन इंटेंशन है साइंटिस्ट की, उसके बारे में बात कर रहा है। ये रहा यहां पे बच्चों पैसेज में, वी नाउ हैव पावरफुल टूल्स एट अवर डिस्पोजल विद विच वी कैन गेट अ स्टेप क्लोजर टू रिस्टोर फॉसिल एनिमल्स टू देयर लाइफ लाइक कंडीशन, सेड ऑथर स्टीफन लॉसलर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ये। तो गाइस यहां सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा एनिमल्स टू लाइफ। यस गाइस, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, पूरी तरह से करेक्ट। सेंटेंस में यहां पर जिक्र हुआ है लाइफ लाइक कंडीशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि थ्रेजिनोर्स एट ओनली, तो ये क्या खाया करते थे, थ्रेजिनोर्स की बात हो रही है। तो गाइस यहां पर देखते हैं सेंटेंस के अंदर उसने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था ऊपर, अगर आप लोगों ने गौर किया हो यहां पर, ये रे अ 10 टू 13 फुट हर्बीवर्स डायनासोर कॉल्ड थ्रेजिनोर्स, तो वो 10 से 13 फुट के हर्बीवर्स यानी कि शाकाहारी डायनासोर कहलाते थे थ्रेजिनोर्स। अब गाइस यानी कि शाकाहारी हैं तो क्या क्या खा सकते हैं, जरा उनको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर शाकाहारी हैं तो भैया फ्रूट्स भी खा सकते हैं और प्लांट्स भी, यानी कि बी और डी ये दो इसके आंसर हो सकते हैं, बी बी और डी बी, तो इन दोनों में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है। फिलहाल यहां मैं इस बात को लेकर के डाउटफुल हूँ, गाइस सेंटेंस पे थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ, यहाँ पे बी और डी इसके आंसर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लास्ट पर, द रेस्टोरेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ द फॉसिल ऑफ द डायनासोर वॉज पॉसिबली बाय अ प्रोसेस ऑफ डिसअसेंबलिंग, फॉर्मेशन, असेंबलिंग या डिसकंस्ट्रक्शन। तो गाइस यहाँ इसका भी जिक्र बिल्कुल शुरू में ही हुआ है, बिल्कुल शुरू में ही पसंद के आप चलेंगे, तो यहाँ साफ साफ उसने जिक्र किया है डिसअसेंबलिंग का, यूजिंग वगैरह जो भी आपका यहाँ पर चुका है, ये रहा आपका डिसअसेंबल। तो गाइस यहाँ सेंटेंस का आपका आंसर हो जाएगा डिसअसेंबलिंग। एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, पैसेज सोल्व करते वक्त, खासकर पैसेज को सोल्व करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जैसे कि रीजनिंग हम लोग करते हैं कई बार तो उसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें, कि अपना दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी, ध्यान रखें अपना एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है, ये पूरी तरह से ध्यान रखें। जो पैसेज के अंदर कहा गया है सिर्फ उतना ही दोहराना है, अपनी तरफ से कोई वर्ड आपको ऐड नहीं करना है। आप सोचने लगे कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, जी नहीं, जैसा पैसेज में लिखा है बस वैसा ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, ध्यान रखें आप लोग। तो आपके लिए सिर्फ इसका एक ही आंसर बैठता है, वह इसका ए करेक्ट। तो यहाँ आप बिना हिंदी निकाले भी पैसेज को सोल्व कर सकते हैं, अगर आप सोल्व करने की इच्छा रखते हैं तो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सर ये 5 मार्क्स फ्री के हैं, कितना इजी है कि एक पैसेज को पढ़ना है और उसमें आंसर ढूंढने हैं, बहुत आसान है, बावजूद उसके क्या आपको एरर ढूंढनी है ग्रामर की। अब ये बहुत कड़ा काम है बच्चों, ग्रामर के एरर ढूंढना, वोकैबुलरी को याद रखना, यहाँ तो कुछ याद रखना ही नहीं है बच्चों। सबसे ज़्यादा इजी पोर्शन है पैसेज को सोल्व करना, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ग्रामर का, जिसको आप सबसे टफ बना के बैठ गए। क्यों है बच्चों टफ, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक तो आपके कोचिंग्स में पैसेज नहीं पढ़ाए जाते, खत्म बात, ऑनलाइन भी इसकी बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है और आप लोग भी इसको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़े हुए हैं वो सबसे पहले पैसेज ही करेंगे और अपने मार्क्स सेव करेंगे 20 के 20, और गए ये 20 मार्क्स उनके हाथ में गए, 20 मार्क्स एक्टिव पैसिव के, 40 मार्क्स का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा आपके और उनके मार्क्स में। ये गलती मत कीजिएगा, लापरवाही मत कीजिएगा, तैयारी कीजिए अपनी दबा करके पूरी और सिलेक्शन लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। चलते हैं गाइस, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव नाइस डे।